लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं महायुद्ध से जुड़े। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान को लेकर इजराइल की सेना ने एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल की सेना ने कहा है कि लेबनान को हिजबुल्ला जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है और इस बयान के बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन इजराइल का इशारा जो है वो सीधे सीधे लेबनान की सरकार की तरफ है और इजराइल ने ये संकेत दे दिया है कि अगर लेबनान ने हिजबुल्ला को नहीं रोका, ऐसे में इसके कई और घातक परिणाम हो सकते हैं। लेबनान बिना बुलाए जंग में एक पक्ष बन गया है, ये एक बड़ा आरोप भी, और ऐसे में अब ये जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर लेबनान को जंग में घसीटा जा रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से ये बयान दिया गया। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि इजराइल की चेतावनी के बावजूद लेबनान की सरकार हिजबुल्ला को आखिर क्यों नहीं रोक पा रही है। देखिए, इसकी वजह समझनी बहुत जरूरी है और आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए समझाते हैं कि आखिर हिजबुल्ला की लेबनान में ताकत कितनी ज्यादा है। 2005 में लेबनान की राजनीति में हिजबुल्ला ने कदम रखा और उसके बाद आज तक दबदबा है वहां पर। और इसकी जो खास वजह है उसमें ये बात बेहद अहम है कि किस तरीके से उसका दबदबा वहां की सियासत में कायम है और इसीलिए भी उसकी मनमानी लगातार वहां पर देखी जा रही है। खास बात ये कि लेबनान की संसद में हिजबुल्ला के कई सांसद हैं जिनकी सरकार में भी अहम भूमिका बनी हुई है। इतना ही नहीं, देखिए 2016 की बात करें तो 2016 में लेबनान ने हिजबुल्ला की इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत है कि 2016 में हिजबुल्ला के समर्थन से वहां के राष्ट्रपति बने थे, और ऐसे में उनकी एक बड़ी ताकत उनकी मजबूती की वजह भी है। लेकिन कुछ और वजह, हिजबुल्ला की लेबनान में राजनीतिक ताकत के पीछे एक बड़ी वजह है लेबनान में उसकी शिया बहुल इलाके में बेहद मजबूत पकड़, और इसीलिए भी वो एक अहम भूमिका निभाती। कई रिपोर्ट्स, देखिए बहुत कुछ कहती हैं आप ही, लेकिन समझिए एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि हिजबुल्ला के पास 20,000 लड़ाके हैं। और खास बात ये भी है कि इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 30,000 लड़ाकों की एक रिजर्व फोर्स भी बकायदा मौजूद है, जो हिजबुल्ला का इशारा पाते ही किसी भी वक्त जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। और इतना ही नहीं, जंग की सूरत में क्या कुछ हो सकता है, जंग की सूरत में हिजबुल्ला के लड़ाके अपने दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला के लड़ाकों के पास मॉडर्न हथियार जो है वो मौजूद है और उनका एक बड़ा जखीरा मौजूद है, और यही वजह है कि बाइडेन भी नेतन्याहू को ये सलाह दे चुके हैं कि वो हिजबुल्ला से ना उलझे।